अब महिलाओं में शाहीन बाग जैसे स्थानों पर आगे कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की बुद्धि की शुद्धि के लिए देश के विरुद्ध ही ना बने, जिसके लिए साधु संतों द्वारा एक यज्ञ किया जा रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। प्रभाकर चौरसिया की खास रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि शाहीन बाग में हुआ क्या कि जो देश में आग लगा रहे थे लोग, वो जब सीसीटीवी कैमरों में कहीं न कहीं से चिन्हित हो गए, तो वो तो रजाई में सो गए घर में जा करके, और औरतों को आगे कर दिए। तो उनके घर के जो आदमी हैं वो वही पुलिस चौकियां फूके हैं, वही पथराव किए हैं, वही देश विरोधी नारा लगाने वाले हैं। अब वो महिलाएं वहां बैठी हुई हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये जो सियासत है, देश विरोधी सियासत करने वाले लोग हैं, ये देश विरोधी सियासत से बाज आ जाएं और देश को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम न करें। नहीं तो मैं सर्वोच्च धर्माचार्य जगतगुरु परमहंसाचार्य घोषणा करता हूं कि जिस दिन मैं 120 करोड़ राष्ट्रवादियों की जो है फौज लेकर के और सीए के समर्थन में उतर पड़ूंगा, उस दिन इनके औकात ठिकाने आ जाएंगे। अभी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये गद्दार गद्दारी छोड़ करके देशभक्त बने। जगरहा ये जो CAA को लेकर के दुष्प्रचार किया गया, देश में हिंसक प्रदर्शन किए गए, ट्रेन की पटरियां उखाड़ी गई, बसों में आग लगाई गई, नन्हे मुन्ने बच्चों पर पथराव किया गया, पुलिस की चौकियां फूकी गई, पुलिस पर जो है पत्थर फेंके गए, पुलिस ये जो है ये सब क्या है? ये देश विरोधी विचारधारा जो है खत्म हो, लोग जो है देश के साथ गद्दारी न करें, राष्ट्रभक्त बने, इसके लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। और मोदी जी के लिए CAA के सपोर्ट में आज साधु संतों ने वेद मंत्रों का जो है तो पाठ किया। और मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जो है मोदी ही देश को विश्वगुरु बनाएंगे और मोदी जी परम राष्ट्रभक्त हैं। योगी मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश एक नए गौरव को प्राप्त हो रहा है और आज 90% जनता मोदी जी के साथ में है। 10% जो कांग्रेस ने जो है तो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को, जो घुसपैठियों को, आतंकवादियों को नागरिकता दे दिया है, वो देश में आग लगा रहे हैं, वो अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रताड़ित हिंदू पाकिस्तान अफगानिस्तान बंगला से आए, उनको तो नेशनलिटी नहीं दिए, उनको नागरिकता नहीं मिली, और रोहिंग्याओं को आतंकवादियों को नागरिकता इसलिए दिए। आज JNU में, AMU में, जामिया में देश विरोधी नारे क्यों लगते हैं? इसलिए ये कांग्रेस की देन है। और अब मोदी हैं, मोदी जी ने एक बात कहा था तब से पूरा देश उनके साथ हो गया। मोदी जी ने कहा था देश को बटने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, और तब से पूरा देश उनके साथ में खड़ा है, खड़ा रहेगा, जनता मोदी जी के साथ में है। और हम लोगों ने आज वेद मंत्रों का जो है दैवी शक्ति का बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया कि वो जो गद्दार हैं देश के, जैसे कांग्रेसी हैं, केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, इधर अखिलेश यादव हैं, मायावती है, उधर लालू यादव है, क्या है, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। अरे CAA का विरोध तुम कर रहे हो, हिंसक प्रदर्शन करने वालों का साथ दे रहे हो, ये क्या है? ये बहुत बड़ी देश के साथ गद्दारी है। आज चूंकि मैं सर्वोच्च धर्माचार्य जगत गुरु परमहंसाचार्य की हैसियत से हमने भगवान से प्रार्थना किया कि इन गद्दारों के अंदर देशभक्ति आ जाए और देश को तोड़ने की नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ न खड़े हों, बल्कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग में जो हैं उनको ये बताएं कि उन्हें देशभक्त बनने की जरूरत है, देश को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।